नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मध्य प्रदेश। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल को मिली बड़ी सौगात, 8.38 करोड़ की लागत से बनेंगे 15 नेशनल हाईवे। मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। इस परियोजनाओं के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और जबलपुर में सड़क निर्माण कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को भोपाल के दौरे पर थे। इस मौके पर लाल परेड मैदान में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री 8,038 करोड़ रुपए की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में गूंजी रामधुन, स्टेडियम में हुई आतिशबाजी। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सोमवार शाम बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा पुलिस अधिकारी व कर्मचारी और शहरवासी भी मौजूद थे। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के पास ब्रास ब्रांड, मास ब्रांड, पाइप ब्रांड व आर्मी बैंड ने सामूहिक वाचन की मनोहारी प्रस्तुति दी। प्रस्तुतियों के बीच आकर्षक मार्च पास्ट ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले होने वाला उत्तर भारत का महिला अधिवेशन भोपाल में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने भोपाल में महिला अधिवेशन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार इस अधिवेशन में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों की महिलाएं भाग लेंगी, जिससे राष्ट्रीय रूप से महिलाएं सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सूचना के अनुसार इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। रोहित नगर में निदान संस्था के नए केंद्र का शुभारंभ। श्रीमती कला मोहन और श्री मोहन ने रोहित नगर में निदान संस्था के नए केंद्र के शुभारंभ अवसर पर बच्चों की प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच देकर अवसर दिया। निदान संस्था बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को उजागर करती है। स्पेशल चाइल्ड का आत्मविश्वास बढ़ाने में संस्था सफल रही। एक केंद्र कोलार मार्ग और बावड़िया कला में संचालित है। इस अवसर पर पूर्व सांसद आलोक संजर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आयोजकों को कार्यक्रम के लिए बधाई दी। इस पहल के लिए माता और पिता की अहमियत को दर्शाते गीतों की शानदार प्रस्तुति बच्चों द्वारा दी गई। हर बूथ को मोदी बूथ बनाकर कांग्रेस मुक्त बनाना है, विष्णुदत्त शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को शहडोल में जिला बैठक एवं लोकसभा बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आप लोगों की मेहनत से शहडोल और पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन चुनाव के पहले तरह तरह की बातें हो रही थी। तो ये थी आज की खास खबरें। आगे जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।